क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से बेहद स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी सरकारी नौकरी के बारे में। जी हाँ, सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है जो जिसका सपना लाखों लोग इस देश में देखते हैं, और देखे भी भला क्यों ना। बचपन से ही सिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ में सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो सम्मान मिलेगा वो तो अलग ही है। लाखों बच्चे सरकारी नौकरी के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर कई हजार ही उसमें सफल हो पाते हैं। इसमें हमारी कुंडली से हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या हमारे भाग्य में, क्या हमारी किस्मत में सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं? कैसे हम अपनी हथेली से जान सकते हैं कि हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी का, उच्च पद का, अधिकारी बनने का योग है या नहीं? इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ अपने सरकारी नौकरी के योग को किस तरह से आप बलवान कर सकते हैं। अगर चांसेस इतने से छूट जा रहा है तो किस तरह से आप सही प्लैनेट्स की रेमेडी करके उनकी फल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सरकारी नौकरी में सीट पक्की कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी हथेलियों से पता कर सकते हैं कि क्या हमारे पास उच्च अधिकारी बनने के, गजेटर ऑफिसर बनने के योग हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो है आपकी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा क्या होती है, स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, उसे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी रेखा देखनी है। अब देखिए, सूर्य रेखा में कुछ चीजें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए आपकी हथेली में। सबसे पहली कंडीशन, सूर्य रेखा आपके दोनों ही हथेलियों में जो रिंग फिंगर है उसके नीचे बननी चाहिए, ठीक है। रिंग फिंगर के नीचे आपके एकदम किसी भी दोष से पीड़ित ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। दोष से पीड़ित होने का मतलब मेरा है कि कटी पिटी ना हो, कहीं आड़ी टेढ़ी ना हो, दो मुही ना हो, बस एक सिंपल धागे की समान संरचना हो, छोटी सी हो आपकी सूर्य रेखा। तो एक सबसे बड़ा योग तो यही हो गया कि आपकी दोनों हथेलियों में सूर्य रेखा बन रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति मजबूत ही होगी। और हमें सरकारी नौकरी, राजा, मंत्री, कोई बहुत बड़ा अफसर या फिर किसी अधिकारी के फेवर्स, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाना, बड़े बड़े लोग आपसे दोस्ती रखे, इसके लिए हमारी कुंडली में, हमारी हथेलियों में सूर्य की मजबूती जरूरी है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया सूर्य रेखा से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपकी हथेली किस तरह की है, मतलब कि आपकी हथेली ना ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, बहुत हाथ मिलाने में ऐसा ना लगे कि यार पत्थर जैसा कुछ पकड़ लिया है। आपकी हथेली लालिमा युक्त होनी चाहिए, यानी कि हल्की सी गुलाबी है, हल्की सी लाल है, देखने में सुंदर लगती है। और उंगलियां बड़ी होनी चाहिए, उंगलियां बड़ी हैं, हथेली चौड़ी है, लालिमा युक्त है, गुलाबी हथेली है। तो ये भी ऐसे हाथ जिनके होते हैं, ऐसे लोगों को आप अक्सर देखेंगे किसी बड़े पद पर ही विराजमान होते हैं। जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ता जाता है, इनके नाम में ख्याति जुड़ती चली जाती है, सम्मान इनका उतना ही बढ़ता चला जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि सरकारी नौकरी है या फिर नहीं है। ये सिर्फ एक या दो ही तरीके मैंने आपको बताए हैं, ऐसे कई सारे योग आपकी हथेलियों में बनते हैं जो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिनकी भी हथेली में ऐसा नहीं हो रहा है, सूर्य रेखा नहीं बन रही है, या फिर हथेली जैसे हमने बताई है वैसी नहीं बनती है, तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भी कई सारे योग होते हैं, वो अभी इस वीडियो में आपको नहीं बताए गए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अभी तक हमने हथेली से जाना कि किस तरह से हम अपने सरकारी नौकरी के, किसी अच्छी जॉब के योग पता कर सकते हैं। अब ऐसा ही हम अपनी कुंडली से भी कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में हमारे कुछ और ज्यादा योग बनते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अहम जो है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति उज्ज्वल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, एक स्ट्रांग डिग्री में सूर्य विराजमान होता है। सरकारी नौकरी बिना सूर्य देव की कृपा के प्राप्त करना लगभग असंभव के बराबर हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज और है जो आप खुद से, स्वयं से अपना देख सकते हैं, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, आपको बस अपनी जो लग्न कुंडली है वो अपने सामने रखनी है। लग्न कुंडली का जो आपका पहला हाउस होता है उसे लग्नेश बोलते हैं। अब यहीं से काउंट करना शुरू करिए। देखिए, मैंने आपको इमेज भी जो दिखाई है सामने, इससे आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से हाउसेस देखने हैं। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ, ये चार घर आपको देखने हैं। अगर इन चारों घर में से किसी भी घर में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है या फिर लाल ग्रह मंगल विराजमान है, तो निश्चित तौर पे ऐसे जातकों की
अच्छी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी के योग भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। देखिए कुंडली की बात हो गई, आपकी हथेली की बात हो गई, लेकिन कर्म भी तो कोई चीज है ना। बिना कर्म के किसी को कहां कुछ मिलता है। मान लीजिए सारे योग आपकी कुंडली में बन भी जाएं, पर आप फॉर्म ही ना भरे, कह दें कि अब तो सरकारी नौकरी के योग पंडित जी ने बताया है, बनी गए हैं, तो फॉर्म भरने की क्या जरूरत है, तो इलॉजिकल सी बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो लोग भी सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अपने कर्म पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन देखिए, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मेहनत कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई कम करता है। आप अपने आसपास देखिए, आपको कई ऐसे एग्जांपल अपने आसपास ही मिल जाएंगे जिनको आप कहता हुआ सुनेंगे कि एक नंबर से रह गया, बार बार एक नंबर से दो नंबर से रह जाता है, अरे मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है मेरा बेटा मेरी बेटी, पर हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बात भाग्य की आ गई, जब कहीं ना कहीं बात किस्मत की आ गई, तो हमें अब उसके उपाय भी करने चाहिए। पर उपाय करें तो करें किसके। देखिए, जैसे कि मैंने और कई जगह आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी में सूर्य भगवान की कृपा जरूरी है, लेकिन सूर्य भगवान की अकेले कृपा जरूरी नहीं है। सूर्य भगवान के साथ साथ आपका बुध भी मजबूत होना चाहिए, और आपको गुरुदेव बृहस्पति की कृपा तो अवश्य ही चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ उपाय जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यहाँ तक आए हैं, उनके लिए सबसे पहला तो आप एक चीज इसका ध्यान रखिए कि आप अगर कहीं एडमिशन ले रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, या ऑनलाइन कहीं एनरोल कर रहे हैं, तो आपको कुछ खास दिनों में ये काम करना चाहिए। उन खास दिनों में सबसे पहला जो आता है वो होता है सोमवार, उसके बाद शुक्रवार। इन दो दिनों को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। कोशिश करिए कि आप कोई फॉर्म भरें या फिर कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो उस दिन मंगलवार और शनिवार ना पड़े। गुरुवार को इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं कि गुरुवार को अक्सर ऐसा माना जाता है कि आप कोई काम गुरुवार को अगर कर रहे हैं तो काम बार बार लाइफ में करना पड़ता है। तो अगर जैसे कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं या पैसे कहीं बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो ऐसे काम आप गुरुवार को करिए। ठीक है, ताकि आपको लाइफ में बार बार ये काम करने के मौके मिलते रहे। दूसरा जो उपाय के तौर पर सबसे ज्यादा सबसे सटीक उपाय रहता है, वो रहता है भगवान सूर्य का मंत्र, भगवान सूर्य की उपासना। भगवान सूर्य का मंत्र ओम ह्रीम हम शा, बहुत छोटा सा मंत्र है ये, ओम ह्रीम हम शा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार तो दिन में करना ही करना है। कब करना है? सुबह सूर्य भगवान के उठने से पहले आपको उठना है और इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। उसके तत्पश्चात आप स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते वक्त भी इस मंत्र का 11 बार पाठ उच्चारण आप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने में विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि जल चढ़ाने का जो आपका बर्तन होगा वो कॉपर का ही होना चाहिए, तांबे का ही होना चाहिए। उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं, चावल के दाने डाल सकते हैं, उसमें आप एक लाल फूल डाल सकते हैं, और यही मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाइए। जल ऐसी जगह ना गिरे जहां पे किसी का आना जाना हो या फिर कोई नाली हो, किसी गमले में जल गिर जाए तो और अच्छा माना जाता है और शुभ रहता है। एक उपाय आप और कर सकते हैं, इसमें आपको एक मिश्रित धातु होगी, यानी कि पीतल तांबा और चांदी, इनकी एक रिंग बनवानी है और अपने दाएं हाथ के, अगर लड़के हैं तो दाएं हाथ के रिंग फिंगर, लड़की हैं महिला हैं तो बाएं हाथ के रिंग फिंगर में रविवार के दिन सूर्योदय से पहले या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आदित्य हृदय स्रोत पढ़कर धारण कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये आपको मिश्रित रिंग नहीं मिल रही है जिसमें एक ही रिंग में तीनों मेटल मिलाकर बनाई जाती है, तो आप अलग अलग भी एक ही रिंग में तीन अंगूठियां इसको धारण कर सकते हैं। आप इन उपायों को 3 से 6 महीने करिए, जितने भी हमने आपको इस वीडियो में बताए, निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी जॉब है पर प्रमोशन नहीं हो रहा है। अंत में आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, हर कोई सरकारी नौकरी सरकारी विभाग में उच्च पद पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। हर साल कुछ ही वैकेंसीज निकलती हैं, पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या आपको ईश्वर ने किसी बड़े पर्पस के लिए बनाकर रखा है, कुछ बड़ा करने के लिए बनाकर रखा है? His plans are way better than your dreams। इस लाइन को याद रखिएगा कि ऊपर वाले ने आपके सपनों से भी ज्यादा, जो सपने आप देख रहे हैं उससे भी ज्यादा कुछ बहुत बड़ा आपके लिए सोच के रखा है। हमसे जितना हो सकता है हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये विशेषांक कैसा लगा। राधे राधे।